हेलो दोस्तों, मैं हूं गौर और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो गौर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो रेडमी K20 Pro यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि रेडमी के K सीरीज के जितने भी फोन यूजर हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो बात करते हैं अब इस वीडियो के बारे में। सो ये वीडियो होने वाली है रेडमी यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेडमी के K सीरीज के जितने भी फोन है उसमें MIUI का जो 13 का अपडेट है वो जल्द ही आने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डेट कब तक है और कौन कौन से डिवाइस में सबसे पहले आएगा। सो वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी बात करते हैं, मेरे पास ये है Redmi का K20 Pro जिसमें कि ये अपडेट अभी फिलहाल तो हो रहा है लेकिन अभी अपडेट अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपने सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अबाउट फोन में जाने के बाद जहाँ पे पहले शो होता था 12 का 12.5 वहाँ पे अभी 13 शो हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अभी देख सकते हैं अभी मेरे फोन में MIUI 12.5 ही अपडेट है, लेकिन यहाँ पे जो शो हो रहा है यानी इससे पता चलता है कि MI के K सीरीज के फोन्स में, मतलब K20 Pro मेरे पास है तो इसमें तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी MIUI का जो 13 का अपडेट है वो आने वाला है। और बाकी MIUI 13 के अपडेट में बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर्स आने वाले हैं, जैसे मैं आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे MIUI के जो 13 के कुछ फीचर्स हैं उसमें आप जो विडगेट होता है उसको, मिनी गेम्स को आप विडगेट में ऐड कर सकते हैं और बाकी स्क्रीन पे जो काउंटडाउन का रिमाइंडर भी शो हो सकता है और जो कि और जो हेल्थ रिलेटेड जैसे होता है कि आपको रिमाइंडर आ जाएगा ड्रिंक वाटर के लिए और ये सब के लिए आप वहाँ पे अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। और आपको मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, जैसे क्या आपको जैसे हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे विडगेट मिल जाएंगे जिसको आप स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं तो वो आपको टाइम टाइम पे नोटिफाई करता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो AI फीचर्स है उसमें कुछ कस्टमाइजेशन किया गया है। जैसे AI का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कैमरा में आपका जो AI फीचर होता है, जैसे आप किसी टेक्स्ट को स्कैन करते हैं या फिर कोई जैसे नेचर का फोटो लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक से उस मतलब कलर और ये सब अपने हिसाब से कैमरा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है और बाकी जो फेस का पहचानने का ये सब है सब कुछ AI फीचर्स ऑटोमेटिक करता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार होने वाला है और बहुत सारे AI फीचर्स जो कि MIUI जो 13 के अपडेट हैं इसमें ऐड होने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऑन कस्टमाइज अवतार, मतलब आप अपने किसी मतलब अब कहाँ पे ये अवतार होगा ये नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ दिया गया है कि आप अपने अवतार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो है कि आपके स्पैम कॉल्स और टेक्स्ट का प्रोटेक्शन का जो सिक्योरिटी है उसको जो है कि इंक्रीज कर दिया गया है और जितने भी हार्मफुल एप्लीकेशन थे उनको रिमूव कर दिया गया है और हार्मफुल फाइल ट्रांसफर को भी इसमें ऑटोमेटिक से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था इसका कुछ फीचर्स जो कि जल्द ही सभी जितने MIUI 13 के जितने भी फोन पे अपडेट आने वाले हैं उसमें ये सब फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन में कुछ चेंजेस होंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले पे ऐड कर दूंगा उसको आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे होम स्क्रीन में भी चेंज होने वाला है और आप अपने फोन की होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो K20 या K20 Pro या K30 Pro यूजर्स के लिए ये अपडेट बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है। तो उम्मीद है आप इस अपडेट का मतलब फायदा उठा पाएंगे बहुत ही जल्दी अपने फोन में। और मैं आपको डेट बता देता हूँ, तो कुछ फोन में जो है कि जनवरी में ही ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे MI के जो 12 सीरीज है Xiaomi के 12 सीरीज उनमें और MI का जो 11 सीरीज है उनमें, मतलब ऑफिशियली जो अपडेट मिला है उसमें यह कहा गया है कि जनवरी में ये जो अपडेट है मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और बाकी MIUI मतलब 13 का जो लॉन्च है बाकी बहुत सारे फ़ोन में है जो कि Redmi के जैसे 10 सीरीज के फ़ोन्स हो गए, जैसे 10 Pro, 10 Pro Max ये सब, और बाकी MI 11 का तो सभी फ़ोन्स में मिल जाएंगे। और बाकी आपको इसमें नोट 8 में भी ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा जो कि 2021 का जो वेरियंट है उसमें। तो इतने फोन्स का फिलहाल जो है कि मतलब अपडेट निकल के आया है कि इतने फोन्स में MIUI का जो 13 का अपडेट है जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। और बाकी जो ये 8 सीरीज के फोन्स हैं और इसमें जो कि अप्रैल मंथ तक डेट आया है कि अप्रैल मंथ तक हो सकता है कि ये अपडेट सभी फोन से देखने के लिए मिल जाए जितने में ये कंफर्टेबल है उसमें मिल जाएगा। और बाकी Redmi K20 Pro और K20 के बात करें तो इसमें बहुत ही जल्दी ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है।
सो जैसे ये अपडेट मेरे फोन में अवेलेबल होता है मैं वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। सो अगर आपके पास भी Redmi के K20 सीरीज के कोई भी फोन है, K सीरीज के चाहे K20 हो, K20 Pro, 30 हो, कुछ भी, सो आपके लिए जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको अपडेट करके और इसके सभी फीचर्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये था ये वीडियो। सो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से न्यू फीचर्स जो है कि आए हैं जो Redmi के न्यू अपडेट है उसमें। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।